नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं यूपी उपचुनाव की। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे में बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लगने के संकेत हैं। 8 सीट पर दलित ओबीसी बन सकते हैं प्रत्याशी। पीडीए फॉर्मूले के काट में है बीजेपी। केंद्रीय चुनाव लगातार केंद्रीय नेतृत्व ने बातचीत की है। केंद्रीय नेतृत्व दलित ओबीसी नाम पर गंभीर है, ऐसा सूत्र बता रहे। उपचुनाव में भ्रम दूर करना चाहती है बीजेपी और सभी 9 सीट जीतने पर बीजेपी की नजर है। अलीगढ़ की खैर सीट पर दलित प्रत्याशी संभव है तो कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी दलित दांव है। कटहरी फूलपुर मंजवा में भी ओबीसी पर दाव लगा सकती है बीजेपी और वहीं कुंदरकी में उतर सकता है ओबीसी कैंडिडेट। गाजियाबाद भी सामान्य प्रत्याशी पर दाव लगा सकती है बीजेपी। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर फोन लाइन पर। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? पीडीए का कार्ड ढूंढने की कोशिश में है बीजेपी और यही वजह है कि प्रत्याशियों की लिस्ट में इतनी देरी हो रही है। देखिए जी, ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के जो तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा बीजेपी कर देगी और इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। और अगले 24 घंटे के अंदर समस्त ये माना जा रहा है कि केंद्रीय समिति की मोहर के बाद आज या रात में या कल सुबह यूपी बीजेपी की जो 8 सीट के जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा हो जाएगी। एक सीट जो है वो ये कहा जा रहा है कि आरएलडी के खाते में जाएगी मीरापुर, तो वहां पर प्रत्याशी जो है वो आरएलडी घोषित करेगी और बीजेपी की घोषणा के बाद ही आरएलडी जो है वो प्रत्याशी घोषित कर सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर ये जो घोषणा है ये हो जाएगी और इसको लेकर यूपी बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। उपचुनाव को लेकर ये पूरी जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है और अगले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में जो तमाम प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं अपनी उम्मीदवारी का उम्मीदवारी फिलहाल जो है घोषित कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज रात या फिर कल सुबह तक बीजेपी की जो लिस्ट है उपचुनाव को लेकर वो जारी हो सकती है, क्योंकि ऐसा जानकारी मिल रही है कि लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं और पीडीए की कार्ड ढूंढने की कोशिश ही इसलिए तमाम मंथन के बाद अब बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है और उसमें कुछ नाम भी चल रहे हैं वो आपको बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी जो प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है उसमें कुंदरकी से शेफाली सिंह को टिकट मिल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कुंदरकी से रामवीर सिंह की भी चर्चा हालांकि चल रही है। वहीं फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया जा सकता है। कटहरी से धर्मराज निषाद की भी चर्चा चल रही है और कटहरी में अवधेश द्विवेदी की भी चर्चा है। बहुत सारे नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है लेकिन टिकट किसको मिलता है ये बहुत जल्दी अब साफ हो जाएगा। मंजवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दे सकती है बीजेपी। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त चल रहे हैं चर्चा में और ये जो कुछ जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें कितने परसेंटेज हैं चांसेस जो इन्हें टिकट मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के नेतृत्व है शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने अपने नामों की लिस्ट जो केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुकी है उसमें कुंदरकी से शेफाली सिंह और रामवीर सिंह का नाम भेजा गया है, तो इसमें से किसी एक को फाइनल किया जा सकता है। फूलपुर से दीपक पटेल का भी नाम भेजा है। इसके अलावा कटहरी से धर्मराज निषाद या अवधेश द्विवेदी के नाम पर मोहर लग सकती है। हालांकि कटहरी में जाति समीकरण देखें तो ओबीसी और एससी वोट ज्यादा है, इसलिए धर्मराज निषाद के नाम पर ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि उनके नाम पर मोहर लग सकती है। मजवा से सुचिस्मिता मौर्य को भी भाजपा टिकट दे सकती है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जिनके नाम बीजेपी संगठन ने यहाँ से केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है, इसलिए इन्हीं में से किसी एक नाम को फाइनल किया जा सकता है। आपको बताऊं तो आज रात में या कल सुबह तक टिकट के जो नाम है प्रत्याशियों के वो फाइनल भारतीय जनता पार्टी कर देगी, तो ऐसे में इन नामों पे मोहर लग सकती है। बहुत शुक्रिया तुषार ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कई नाम है जिसकी चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी अब बीजेपी की लिस्ट सामने होगी।